मधुबन की सुंदर पहाड़ियों पर एक बस तेज रफ्तार से दौड़ी जा रही थी। उस बस के अंदर बहुत से यात्री सवार थे। तभी अचानक बस ड्राइवर ने बस को रोककर साइड में खड़ा कर दिया और यात्रियों से बोला, अरे बस अब 2 घंटे बाद आगे बढ़ेगी। ड्राइवर की बात सुनकर कालू नाम का यात्री गुस्से से बोला, ये क्या कह रहे हो ड्राइवर, 5 मिनट में हम सब सुंदरबन पहुंच जाएंगे, बस को रोकने का मतलब क्या है, वो भी इस घने जंगलों के बीचों बीच। अरे भाई साहब, हम सब की भलाई इसी में है। सुंदरबन के अंदर जाने का रास्ता एक टनल से होकर जाता है, वो टनल भूतिया है कहते हैं। हजारों यात्री उस टनल के अंधेरों में खो गए जो आज तक नहीं मिले, और कुछ यात्री मिले भी तो उनका बस शरीर। तभी अचानक वहाँ अजीब सी आवाजें आने लगी जिसे सुनकर वो सब डर गए। तभी कालू कौआ बोला, अरे जंगल में सब जानवर एक साथ आपस में लड़ते हैं तो कुछ इस तरह की ही आवाज आती है। मैं एक पढ़ा लिखा पक्षी हूँ, मैं तुम्हारी इन जाहिलाना बातों में बिल्कुल नहीं आने वाला, इसलिए मैं जा रहा हूँ। मैं इस जगह 2 घंटे बिल्कुल नहीं रुकने वाला। कंडक्टर ड्राइवर ने कालू को बहुत समझाने की कोशिश की मगर कालू ने उन दोनों की बात नहीं मानी। वो भूतिया टनल में से गुजरने लगा, तभी उसे किसी की हंसने की आवाज़ सुनाई दी। वेलकम टू माय भूतिया टनल, अब इस टनल से तुम कभी वापस नहीं जा पाओगे। जो एक बार आता है वो कभी वापस नहीं जा पाता। कालू के दिल दहला देने वाली चीख उस अंधेरी टनल में गूंज गई। इस घटना के 1 महीने बाद टुनटुनी अपने दो सुंदरियों बंटी के साथ बैठी हुई थी। टुनटुनी का उदास चेहरा देखकर बंटी उससे कहता है, कब तक ऐसे उदास रहोगी टुनटुनी? कालू की मौत का हम सबको बहुत दुख है, लेकिन मेरी एक बात समझ में नहीं आई, आखिर कालू की लाश मधुबन के पास जंगल के कुएं के अंदर कैसे मिली? पुलिस के मुताबिक कालू मधुबन से 5 किलोमीटर दूर पहले उतर गया था और सारे यात्रियों ने उसे मधुबन की ओर जाते देखा भी था। मैं आज मधुबन जंगल जाने के लिए निकल रही हूँ। मैं भी देखती हूँ कि आखिर वो कौन सी ऐसी भूतिया टनल है जहाँ पक्षी जाता तो जिंदा है मगर उसकी लाश उसे 20 किलोमीटर दूर पीछे कुएं में मिलती है। तुम अकेले नहीं जाओगी टुनटुनी, हम दोनों भी तुम्हारे साथ जाएंगे। टुनटुनी और सुंदरी बंटी की कार में बैठ गई और बंटी ने अपनी कार मधुबन की ओर दौड़ा दी। वो तीनों कार से बाहर निकल आए। उन तीनों के हाथ में बड़ी बड़ी टॉर्च थी। तभी उन तीनों के कानों में से उस टनल के अंदर किसी की चीख की आवाज टकराई। टुनटुनी बुरी तरह से चौंक गई। वो वहाँ से भागने लगी लेकिन कुछ भूतिया पक्षियों ने बंटी को पकड़ लिया। ये देखकर वो दोनों भागने लगी। अरे हम ये कहाँ आ गई? ये तो बहुत पुराना प्राचीन कुआं लगता है। सुंदरी कालू की लाश शायद इसी कुएं से बरामद हुई थी। टुनटुनी ने इतना बोला ही था कि तभी बंटी की लाश उन दोनों के ऊपर कुएं में आकर गिर गई। कोई है क्या? हमें यहाँ से बाहर निकालो, प्लीज हमें यहाँ से कोई बाहर निकालो। तभी उन दोनों के कानों में कुएं के ऊपर से एक भारी आवाज टकराई। घबराओ मत, मैं रस्सी फेंक रही हूँ, तुम दोनों से पकड़कर ऊपर आ जाओ, लेकिन जल्दी करना। कुछ ही क्षणों में एक मोटी रस्सी उन दोनों के सामने लटक रही थी। वो दोनों रस्सी को पकड़कर कुएं से बाहर निकल आई। उन दोनों के सामने एक जख्मी बस्सू रस्सी चिड़िया थी जिसकी आंखें लाल थी। तुम दोनों उस कुएं के अंदर कैसे आई? इस जंगल में तो कोई नहीं आता और यहाँ का कुआं श्रापित है, यहाँ अक्सर मुसाफिरों की लाशें मिलती हैं। टुनटुनी उसे सारी बातें बताती है। समझ गई, तुम्हारे दोस्त भूतिया रहस्यमय टनल का शिकार हुआ था। उस टनल के अंदर भूतिया टूनी चिड़िया की आत्मा का राज है। गाँव के पक्षी से कुएं से पानी पिया करते थे। इस गांव का मुखिया के घर बेटी हुई। पक्षियों का मानना था कि वो भूतिया चिड़िया है। बड़े होकर उस भूतिया टूनी चिड़िया की आत्मा ने गांव के ही पक्षियों को मारकर खाना शुरू कर दिया। उस दौर में वो टनल एक गुफा थी। वो गांव के पक्षियों को उस गुफा में मारकर खा जाती और उनके शरीर को इसी कुएं में फेंक देती। फिर बाद में उस गुफा को काटकर एक टनल बना दिया। तब से आज भी रात के समय वो उस टनल में अपने शिकार के इंतजार करती है और वो जिन पक्षियों को मारकर खाती है उसकी आत्मा उसके वश में आ जाती है। हमने तो सुना थी कि ये टनल हॉन्टेड है, लेकिन इतनी बारीक जानकारी आपको कैसे मिली? सुंदरी की बात सुनकर वो उससे कहती है,
क्योंकि वो भूतिया टूनी चिड़िया की आत्मा और कोई नहीं बल्कि मैं ही हूँ। कैसा लगा मुझसे मिलकर? वेलकम बैक टू माय भूतिया टनल। तभी कुएं के अंदर से बहुत तेज किसी के हंसने की आवाजें गूंजने लगी और वो अपनी भूतिया टूनी चिड़िया की आत्मा के रूप में आ गई। अब बस उन दोनों की चीखों की आवाज उस भूतिया टनल में गूंज रही थी। कालू आज अपनी पत्नी टुनटुनी को सिनेमा हॉल में मूवी दिखाने ले जा रहा था। जल्दी चलो, अगर मूवी थोड़ी सी भी निकल गई तो मैं तुम्हारी टांगे तोड़ दूंगी। मेरे मोजे कहाँ हैं? कहीं नहीं मिल रहे। और तुमने मेरी घड़ी कहाँ रख दी? मुझे नहीं पता, खुद ढूंढ लो। अब जल्दी चलो, मूवी छूट जाएगी, नहीं तो मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं। कालू की बीवी टुनटुनी उसको बहुत परेशान करती थी। वो कालू का खूब खर्चा करवाती और घर का सारा काम भी कालू से ही करवाती थी। कालू और उसकी पत्नी सिनेमा हॉल पहुंचते हैं। कालू टिकट खरीदने काउंटर पर चला जाता है। जब वो टिकट खरीदकर वापस लौटता है तो उसकी बीवी गायब थी। अरे ये टुनटुनी कहाँ चली गई? यहीं पर तो थी अभी। सिनेमा हॉल के आसपास की जगहों पर कालू टुनटुनी को ढूंढता है। वो देखता है कि टुनटुनी रोड पर खड़ी है। अरे टुनटुनी, तुम यहाँ क्यों आ गई? मूवी देखने नहीं चलोगी क्या? मूवी छूट जाएगी, जल्दी चलो। नहीं, मुझे मूवी नहीं देखनी है, चलिए जल्दी से घर चलते हैं। आज तुम्हें क्या हो गया है? वैसे तो तुम मूवी देखने के लिए पागल रहती हो। कालू टुनटुनी को लेकर घर पहुँचता है। तभी टुनटुनी कालू से कहती है, आपको बहुत पसीना आ रहा है, मैं आपके लिए पानी और कुछ खाने पीने के लिए लेकर आती हूँ। टुनटुनी कालू को पानी पिलाती है और वो उसके लिए चाय समोसे भी बनाती है। टुनटुनी का ये व्यवहार देखकर कालू चौंक जाता है। इतना प्यार पहले तो कभी नहीं जताया तुमने। तुम तो मेरे साथ हर रोज झगड़ती हो। ज्यादा मत सोचिए कालू जी, अब आप सो जाइए, आप बहुत थक गए हो। कालू अपने कमरे में जाकर सो जाता है। तभी वो अपने असली भूतिया रूप में आ जाती है। इस बेचारे कालू को क्या पता कि मैं टुनटुनी नहीं बल्कि टुनटुनी की हमशक्ल भूतिया टूनी चिड़िया की आत्मा हूँ। उधर कालू की असली बीवी अभी भी सिनेमा हॉल के अंदर कालू का इंतजार कर रही थी और उसको ढूंढ रही थी। अरे पता नहीं ये कालू कहाँ भाग गया, आज घर जाकर उसकी बेलन से खूब पिटाई करूँगी। हाँ नहीं तो। टुनटुनी जब घर पहुँचती है तो देखती है कि कालू सो रहा है और भूतिया टूनी चिड़िया की आत्मा उसके पास बैठी है। कौन है तुम और मेरे घर में क्या कर रही है और मेरे पति के पास क्यों बैठी है? मेरा नाम भूतिया टूनी चिड़िया की आत्मा है, मैं तुम्हारी हम शक्ल हूँ, मेरे पीछे तांत्रिक पड़ा हुआ है, प्लीज मुझे यहाँ कुछ दिन रहने दो, मैं अपने जादू से तुम्हारे घर के सारे काम कर दिया करूँगी, मैं वादा करती हूँ मैं तुम्हें परेशान नहीं करूँगी। तो कलमुही मेरे घर में घुसकर मेरे पति के पास बैठी है, चल निकल यहाँ से। टुनटुनी चिमटे से भूतिया टूनी चिड़िया की आत्मा की खूब पिटाई करती है, वो बेहोश हो जाती है। तो टुनटुनी से नदी में जाकर फेंक देती है और अपने पति कालू को जगाती है। चिमटे से मार मार कर भी तुम्हारा मुंह लाल कर दूंगी, मुझे सिनेमा हॉल छोड़ आए और खुद यहाँ आकर सो रहे हो। अरे टुनटुनी, तुमने ही तो कहा था घर चलो, और तुम्हारा व्यवहार कैसे बदल गया? अभी कुछ देर पहले ही तो इतने प्यार से बात कर रही थी। कालू को कुछ समझ ही नहीं आ रहा था कि क्या हो रहा है। तभी तांत्रिक वह उनके कमरे में आ जाता है और टुनटुनी को पकड़ लेता है। क्यों भूतिया टूनी चिड़िया की आत्मा, हम तुझे कितने दिनों से ढूंढ रहे थे, चल हमारे साथ, अब हम तेरी बलि चढ़ाएंगे। मैं भूतिया टूनी चिड़िया की आत्मा नहीं हूँ, मैं उसकी हम शक्ल हूँ, प्लीज मुझे छोड़ दो। ज्यादा बकवास मत कर, हम बेवकूफ नहीं है जो तुम्हें पहचान न पाए। तांत्रिक टुनटुनी को उड़ाकर ले जाने लगता है कि तभी भूतिया टूनी चिड़िया की आत्मा वहाँ पहुँच जाती है और अपने जादू से तांत्रिक को जमीन पर खींच लेती है और उसकी खूब पिटाई करती है। वो तांत्रिक डरकर वहाँ से भाग जाता है। मुझे माफ कर दो भूतिया टूनी चिड़िया की आत्मा, अगर तुम ना आती तो वो तांत्रिक तो मुझे अपने साथ उड़ाकर ले जाता और मेरी बलि चढ़ा देता। कालू तुम भी मुझे माफ कर दो, शायद मैं अकेले उस तांत्रिक से नहीं लड़ पाती, तो
तुम्हारे पति कालू एक अच्छे पक्षी है टुनटुनी, तुम्हें उन्हें परेशान नहीं करना चाहिए, वो तो तुमसे बहुत प्यार करते हैं। हाँ भूतिया है टूरी चिड़िया की आत्मा, मैं वादा करती हूँ मैं कालू को कभी परेशान नहीं करूँगी। ये सुनकर कालू बहुत खुश होता है। अच्छा टंटुनी कालू, अब मैं चलती हूँ, मेरी वजह से तुम्हें जो भी परेशानी हुई हो उसके लिए मुझे माफ कर देना। ये कहकर भूतिया टूरी चिड़िया की आत्मा वहाँ से गायब हो जाती है। फिर कालू टंटुनी एक साथ खुशी खुशी रहने लगते हैं। टुनटुनी जलेबी बेचकर अपना और अपनी बेटी पिंकी का गुजारा करती थी। टुनटुनी के पड़ोस में सुंदरी कौवी अपनी बेटी चंपा कौवी के साथ रहती थी। उसकी बेटी के बिगड़े स्वभाव के कारण कोई भी पक्षी उससे शादी नहीं करता था। वहीं दूसरी तरफ टुनटुनी ने अपनी बेटी पिंकी का रिश्ता एक बहुत अच्छे घर में तय कर दिया था और कुछ ही दिनों में उसकी शादी होने वाली थी। जब ये बात सुंदरी को पता चलती है तो वो जल बुनकर राख हो जाती है। अरे एक जलेबी बेचने वाली बेटी का रिश्ता इतने अच्छे घर में कैसे हो सकता है? इस रिश्ते से मुझे बहुत जलन हो रही है। चलो हम कुछ ऐसा करते हैं जिससे टुनटुनी की बेटी की शादी टूट जाए और सभी पक्षियों के सामने उनकी नाक कट जाए। करीब रात को सुंदरी कौवी अपनी बेटी चंपा के साथ मिलकर टुनटुनी के घर में रखे सारे पैसे और गहने चुरा कर अपने घर ले जाती है। दूसरी तरफ टुनटुनी को इस बारे में कुछ पता नहीं चलता और देखते ही देखते पिंकी की शादी का दिन आ जाता है। टुनटुनी बहन, मैं इस बारात के लिए खाना बनाने आया हूँ, चलो तुम मुझे पैसे दे दो ताकि मैं सामान लाकर खाना बनाना शुरू कर दूँ। ठीक है हरिया काका, मैं अभी पैसे लेकर आती हूँ। जैसे ही टुनटुनी अपनी अलमारी खोलती है तो अलमारी के अंदर रखे सारे पैसे और गहने गायब देखकर उसके होश उड़ जाते हैं। अरे नहीं, ये क्या हो गया? हे भगवान, लगता है मेरे घर में चोरी हो गई। आज तो मेरी बेटी की शादी का दिन है, अब मैं क्या करूं? फिर टुनटुनी चुड़िया हलवाई से कहती है, भैया मेरी अलमारी में रखे सारे पैसे और गहने चोरी हो गए, मैं तुम्हें अभी पैसे नहीं दे सकती, तुम खाना बनाना शुरू कर दो, मैं कुछ ही दिनों के बाद तुम्हें पैसे दे दूंगी। मुझे माफ करना बहन, मैं ऐसा नहीं कर सकता, अगर आपके पास पैसे नहीं है तो मैं वापस जा रहा हूँ। इतना कहकर हलवाई वहाँ से चला जाता है। फिर थोड़ी देर के बाद वहाँ सुनहार आता है। बहन जी, शादी वाले दिन आपने मेरे गहनों के पैसे देने का वादा किया था, चलिए जल्दी से मुझे मेरे पैसे दे दीजिए, मुझे दुकान पर जाने के लिए देरी हो रही है। टुनटुनी सुनहार को सारी बात बताती है लेकिन सुनहार उसकी एक नहीं सुनता। देखो बहन जी, मैं कई सालों से व्यापार कर रहा हूँ, धोखेबाज पक्षी पैसे देने के वक्त इसी तरह के बहाने बनाते हैं, लेकिन मैं कुछ नहीं जानता, किसी भी हालत में शाम तक मुझे मेरे पैसे मिल जाने चाहिए वरना मैं आपकी बेटी की शादी नहीं होने दूंगा। इस तरह वो सुनहार टुनटुनी को धमकी देकर वहाँ से चला जाता है। ये सब देखकर टुनटुनी बहुत परेशान होती है। टुनटुनी गांव में घूमकर पक्षियों से पैसे उधार मांगने की कोशिश करती है लेकिन कोई भी गांव वाला उसकी मदद नहीं करता। फिर उदास होकर टुनटुनी घर की ओर लौटने लगती है कि तभी उसे सड़क के किनारे एक पर्स दिखाई देता है। टुनटुनी जैसे उस पर्स को उठाने की कोशिश करती है तभी वो पर्स उससे बात करने लगता है। मैं एक जादुई पर्स हूँ, मैं सिर्फ ईमानदार सच्चे पक्षियों को नजर आती हूँ। मैं यहाँ कई सालों से पड़ी थी लेकिन सिवाय तुम्हारे आज तक मुझे किसी ने नहीं देखा, अब तुम्हारी सारी मुश्किलों को दूर कर दूंगी। ये सुनकर टुनटुनी खुश हो जाती है और उसके बाद वो घर जाकर जैसे उस पर्स को खोलती है उसके अंदर ढेर सारे सोने के सिक्के रखे थे। तुम्हारे पड़ोस में रहने वाली सुंदरी कौवी ने तुम्हारे गहने और सारे पैसे चुराए थे, अब उसे सजा देने का समय आ गया है। जादुई पर्स के इतना कहते ही वो पर्स हवा में उड़ते हुए सुंदरी कौवी के घर पहुंच जाता है और दोनों माँ बेटी की पिटाई करने लगता है। अरे नहीं, कोई मुझे बचाओ, ये पर्स मुझे मार क्यों रहा है? अरे कोई बचाओ, ये पर्स तो बहुत बुरी तरह से हम दोनों की पिटाई कर रहा है। तुम दोनों ने टुनटुनी के घर से जो पैसे और गहने चुराए थे जल्दी से उसे लौटा दो वरना मैं मार मार कर तुम दोनों की खाल उधेड़ दूंगी।
ये सुनकर वो दोनों घबरा जाती हैं। फिर सुंदरी को भी सारे पैसे और गहने टुनटुनी को वापस लौटाकर उससे माफ़ी मांग लेती है। इस तरह सब कुछ ठीक हो जाता है। उसके बाद टुनटुनी अपनी बेटी पिंकी की शादी बड़े धूमधाम से कराती है और साथ ही वो गांव के सभी गरीब पक्षियों को एक एक सोने का सिक्का भी देती है। विदाई के समय टुनटुनी वो जादुई पर्स अपनी बेटी पिंकी को देकर उसे उसके ससुराल भेज देती है। फिर उस जादुई पर्स की मदद से पिंकी की जिंदगी में कभी पैसों की कमी नहीं होती और वो खुशी खुशी रहने लगती है।